दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज के ज़माने में अपने लगे सगे रिश्तेदारों से घर वालों पे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास भी एक हद तक किया जाना चाहिए। जहाँ पे कि आपकी अवेयरनेस, आपकी एक्टिवनेस हो, वहाँ तक विश्वास करना सही है। किसी पे आंख बंद करके विश्वास करने वाला ज़माना अब नहीं रहा। विश्वास कीजिए, बहुत सारी घटनाएं हैं, उनसे हमें सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उन घटनाओं से सीख नहीं लेंगे तो शायद हमारे लिए टाइम कम पड़ जाएगा। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कानपुर की है। दरअसल कानपुर में एक फैमिली है। इस फैमिली में जो दो पति पत्नी हैं, इनकी शादी आज के 4 साल पहले सन 2018 में हुई थी, मई के महीने में। 2018 के बाद से अब तक इन लोगों ने फैमिली को मूव कराया कानपुर में, और कानपुर में जॉब करना शुरू कर देते हैं। एक चमड़े का बैग बनाने की फैक्ट्री है और हस्बैंड वाइफ दोनों इसी में काम करते हैं। इनको लगा कि वाइफ भी जॉब करेगी, थोड़ा अर्निंग बढ़ेगी, और सही भी है, अगर दोनों जॉब करते हैं अर्निंग बढ़ती है तो कोई गलत भी नहीं है, लेकिन अगर चीज़ें अंडर कंट्रोल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम बीतता रहा और धीरे धीरे जो नज़दीकी होती है वाइफ की, वो फैक्ट्री के मालिक से कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी उसकी बढ़ जाती है, और दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये लगातार इनका मिलना जुलना, बातचीत करना। अब जो पति होता है वो बार बार नोटिस करता है कि इतने सारे वर्कर्स में, इतने सारे एम्प्लॉयज़ में जो फैक्ट्री का मालिक है, मेरी ही पत्नी को बार बार अपने केबिन में क्यों बुलाता है, घंटों घंटे वहाँ पर जाके बैठी रहती है, बातचीत करती है। और तो और घर पे भी कई बार फैक्ट्री के मालिक का उसके फ़ोन पे कॉल आता था। हस्बैंड जो होता था वो जानने की कोशिश करता था, लेकिन फैक्ट्री का मालिक उससे बात तक नहीं करता था ढंग से, और पत्नी हर बात पर इस बात को टाल जाती थी, ऊपर पति के ऊपर ही भड़क जाती थी। पति इस बात को नोटिस कर करके परेशान हो गया कि आखिर माजरा क्या है। वो समझता सब था, लेकिन खुल के बोलने की हिम्मत उसकी नहीं थी। फाइनली हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब पानी नाक के ऊपर से चला जाता है तो इंसान हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, और यही हुआ इस पति के साथ। इस पति ने अपने पत्नी को क्लियरली बोला कि आज के बाद तू उस कंपनी में, इस फैक्ट्री में नौकरी तो करेगी, लेकिन अपने मालिक से बिल्कुल बातचीत नहीं करेगी। और ये बात इस पत्नी को इतना ज़्यादा नागवार गुजरी कि इसका अपने पति के साथ झगड़ा हो गया। पति डायरेक्टली अपने मालिक, फैक्ट्री मालिक के पास ही पहुँचता है और बोलता है कि अगर तुम्हें सुधरना है तो सुधरो, नहीं तो मैं और मेरी पत्नी दोनों इस तुम्हारी फैक्ट्री को छोड़ देंगे। हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं बाहर, जहाँ पर जाके हम ज्वाइन कर लेंगे। फैक्ट्री मालिक दिमाग से काम लेता है, उसने बोला ठीक है, मैं मतलब नहीं रखूँगा, लेकिन हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। फैक्ट्री के मालिक प्रॉमिस करने के बावजूद भी इसकी पत्नी से चोरी छुपी मिलता, बातचीत करता, और इनका सिलसिला लगातार जारी रहा। फाइनली एक दिन क्या होता है, जब इस घटना की जानकारी इस पति को मिलती है, उसके दोस्तों ने, इसके आसपास के वर्कर्स ने बताया कि भाई ये अभी भी चालू है सब कुछ, तो ये आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। ये अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा देता है, और हाथ उठाने के बाद वाइफ भी इसके ऊपर हाथ उठा देती है, और अब जाके अपने जो फैक्ट्री मालिक होता है उसको सब कुछ बताती है। फैक्ट्री मालिक जो होता है आके पति को ही धमकाता है कि अगर आज के बाद तूने बीच में आने की कोशिश की, लड़ाई करने की कोशिश की, वो मेरी एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई के ऊपर चाहे कोई भी हो, चाहे पति ही क्यों ना हो, अगर कोई हाथ उठाएगा तो मैं उसका हाथ कलम कर दूंगा। इस तरीके से दो मियाँ बीवी के बीच में, दो परिवार वालों के बीच में तीसरा कोई आकर इंटरवीन करता है, तो वहाँ पे इंसान के कान खड़े हो जाना चाहिए, उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें जो होती हैं उनके बीच ही रहनी चाहिए, आपस में ही सुलझाना चाहिए। फैक्ट्री मालिक हो या फिर कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक हो, उसको कोई अधिकार नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ के बीच में आकर इंटरवीन करे, जब तक कि उसे सलाह ना मांगी जाए। लेकिन इस घटना में यही हुआ, और एक दिन क्या होता है, ये जो पति होता है वो गायब हो जाता है। जब पति के घर वाले वो अपने बेटे से, अपने भाई से बात करने की कोशिश करते हैं, 3-4 दिन तक कोई बात नहीं होती, और ये पत्नी जो होती है वो अपने घर वालों को, यानी ससुराल वालों को बताती है कि वो कहीं पे गए हैं किसी टूर के सिलसिले में, शायद वो बंदा अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं बता दूंगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि जो पत्नी होती है अपनी फैक्ट्री मालिक के साथ अपने पति को गायब करा देती है, पुलिस में FIR रिपोर्ट कराई जाती है। लेकिन इस घटना की सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी, जब पुलिस ने इस घटना को बार बार इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो उस घटना से 22 दिन बाद पता चलता है कि इस पति की अब वो हालत हो चुकी है कि बेचारा इस दुनिया में है ही नहीं। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई, इसका बेजान शरीर जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ सड़ के गल चुका था, इसकी शिनाख्त तक होनी मुश्किल हो गई थी। हालांकि पुलिस ने जब DNA मैच कराया तो DNA से पता चला कि हाँ, ये वही आदमी है। और इस घटना की बारीकी से जांच करने पता चला कि ये जो वाइफ है, इसने ही फ़ोन करके अपने पति को किसी सुनसान जगह पर बुलाया, और वहाँ पर इस फैक्ट्री मालिक ने 2 आदमी सेट कर रखे थे किराए के, और उन्होंने वही किया जो कि फैक्ट्री मालिक ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, और उस आदमी की जान ले ली।
दोस्तों अब इस घटना में आप सोचेंगे कि क्या है। इस घटना में एक सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट है तो उसे आपस में समझाइए, आपस में सुलझाइए। दूसरी चीज़, जब पति को इतने दिन से ये पता था कि ये सब चीज़ शुरू होने वाली, उसे इनिशियल फेज से पता था, तो उसको अपनी पत्नी की जॉब छुड़वा देनी थी या फिर अब खुद भी पत्नी के साथ जॉब छोड़ के कहीं और जॉब शुरू कर लेता। क्योंकि नौकरी की कमी तो नहीं है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ पे कि बार बार आपको नकारा जाए, बार बार आपसे बात ना किया जाए, आपको वो दिन देखना पड़े कि दोस्त यार मजाक उड़ाएं, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि आप एक नई ज़िंदगी शुरू करें। लेकिन इस घटना में यही मिसिंग था, और एक छोटी सी बात आगे जाके इतनी बड़ी बन जाती है जो कि हमारी आपकी सोच से बहुत ज़्यादा परे हो जाती है। इसलिए दोस्तों अपनों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज की डेट में अवेयरनेस ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, अगर आपका दिमाग चारों तरफ फुल एक्टिवनेस के साथ काम नहीं करता है, तो समझ लीजिए कोई भी आपके ऊपर घात लगा सकता है। और ज़माना ऐसा ही है, किसी पे विश्वास ना करें, और विश्वास करें भी तो एक हद तक, एक लिमिट तक, जहाँ तक कि सही हो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।